बैयाहट के विधायक प्रदीप यादव ने किसानों के समर्थन में 31 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का लिया संकल्प। उन्होंने कहा, गोड्डा लोकसभा के जितने भी किसान हैं, इस रैली में सम्मिलित होकर सरकार को ये दिखाना है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही नहीं बल्कि झारखंड और बिहार के किसान कृषि बिल के विरोध में हैं और सरकार को किसानों की मांग पूरी करनी ही पड़ेगी और किसान विरोधी बिल वापस लेना ही पड़ेगा। इस प्रकार से भारत सरकार ने हठधर्मिता अपनाई है। लाख आग्रह के बाद भारत सरकार एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। उस तीनों बिल को, तीनों जो कानून का रूप ले चुका है, काला कानून किसानों के विरोध में, वापस लेने को सरकार तैयार नहीं है। 2 महीने लगभग हो गए, आज भी लोग सड़क पर डटे हुए हैं किसान अपनी मांगों को लेकर। अब लगता है कि जरूरत हो गई है पूरे देश को जगने का, उन किसानों के समर्थन पर सड़क पर उतरने का। इसलिए कांग्रेस ने फैसला किया है, हम सबों ने फैसला किया है, 31 तारीख को उन किसानों के आंदोलन के समर्थन में गोड्डा से एक विशाल ट्रैक्टर रैली, जिसमें हजारों किसान हजारों अपने ट्रैक्टर को लेकर के उस रैली में भागीदार बनेंगे और लगभग ये 100 किलोमीटर की यात्रा होगी। ये देवघर के रोहिणी जो आज़ादी के आंदोलन के सेनानी के पूज्य स्थल है, वहाँ जाकर के यह पहला विराम लेगा और उस रैली में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, स्वयं मंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी, विधायक दल के नेता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब, कृषि मंत्री माननीय बादल पत्रलेख, कई विधायक, कई मंत्री उसमें शरीक होंगे और वह पहला संकेत होगा कि भाई किसान के आंदोलन के साथ संथाल पुणा झारखंड के किसान हैं। और सुबह 9 बजे से वह रैली प्रारंभ होगी कारगिल शहीद कारगिल चौक गोड्डा से रोहिणी शहीद स्थल तक जाएगी। ये पहला कार्यक्रम हम सबों ने निर्णय लिया है। मैं आग्रह करूंगा इस वीडियो के माध्यम से गोड्डा के किसानों को, दुमका के किसानों को, जो इस रूट में पड़ने वाले किसान हैं, देवघर के किसानों को, कि आप अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे, इस रैली में भागीदार बने और जो पंजाब हरियाणा उस क्षेत्र के किसान अपने आंदोलन को लेकर के सड़क पर है, उनके आंदोलन को समर्थन करें। इसका रोड चार्ट क्या होगा सर? बिल्कुल 9 बजे सुबह से ये शहीद स्थल गोड्डा से प्रारंभ होगी और रैली पुड़ियाहाट जाएगी, पुड़ियाहाट से हसडीहा जाएगी, हसडीहा से सरियाहाट जाएगी, सरियाहाट से मोहनपुर, मोहनपुर से देवघर जाएगी, देवघर से फिर रोहिणी में जाकर के यह रैली विराम देगी।